हमें दमा हो उससे पहले ही हम कोशिश करें कि हमें उन कारणों का पता चल जाए, क्योंकि दमा होने का कारण है आपको बार बार इन्फेक्शन का होना, बार बार आपके सांस के रास्ते में सूजन का होना। अगर इन्फेक्शन होगा तो सूजन होगी, सूजन होगा तो जब वो क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको दमा कहलाता है। तो उसके लिए अगर हमें टेस्ट कराने हैं, क्यों कराने हैं हमें, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमें ये लग रहा है कि हम दमा के पेशेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में या हो चुके हैं, तो उसको बिगड़ने से आपको बचाना है। अगर शुरुआत है तो आप ये कोशिश करें कि वो अस्थमा में कन्वर्ट ना हो पाए, और अगर आपको डायग्नोज हो चुका है अस्थमा तो आप ये कोशिश करें कि आप उसको बिगड़ने ना दें। अगर टेस्ट कराएंगे या एलर्जी टेस्ट कराएंगे उससे आपको एलर्जन पता चल जाएंगे तो आप उनसे बच सकते हैं, या उनकी अगेंस्ट अगर आप चाहें तो आप उसके अगेंस्ट इलाज ले सकते हैं, इसके मुकाबले कि आप बार बार अस्थमा, आपको सांस की दिक्कत हो और आप इलाज के लिए जाएं।